बॉल टाइगर से कैप्टन रास्ता के पास। कैप्टन रास्ता ने बॉल पास की है जो को, जो आगे बढ़ रहा है और उसने पास किया है शेख को। शेख को गिरा दिया गया है और रेफरी ने दिखा दिया है येलो कार्ड। सुपर स्ट्राइकर्स को अभी भी दो बड़े मैचेस खेलने बाकी हैं, पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ, और कोच के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। ये क्या, स्ट्राइकर से आसान गोल चूक गया और कोच के चेहरे पर नाराजगी है। ये कैप्टन रास्ता का हेडर और बॉल आई शेख के पास। अब वो किसे पास करेगा? ये क्या है, कहीं ये सपना तो नहीं? सपना नहीं है मैक, एक बेहतरीन शॉट, गोल। और क्या गोल था, वो भी गेम के खत्म होने से 2 मिनट पहले। कोच गिर गए हैं मैक। क्या कोच? आखिर मैं पहुंच गया, मेरा दिल धड़क रहा है, 50,000 फैंस का शोर है, सांसें तेज हो रही हैं और मैच शुरू होता है। मैं आया हूँ यहाँ पे लेके हौसलों की तार, लगा दूँ मैं अपनी जान, फिर है जीत मेरी यार। हर बच्चों तुम देखो मैच का, मुझ में देखे फाइट, जहाँ 1, 2, 3 मैं हूँ सुपर स्ट्राइकर, स्ट्राइकर। मेरी टीम को कोच करने के लिए एप्लीकेशन मिल गई मिस्टर क्रकोस्की, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सुपर लीग लेवल को कोच कर सकते हो। देखिए मैं, और वैसे भी इस वक्त इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच की जरूरत नहीं है। अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को कम से कम 2 मैचेस के लिए बाहर रहना होगा। क्लब पार्लमेंटरी और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ सुपर स्ट्राइकर्स के होने वाले अगले 2 मैचेस में उन्हें कोच कौन करने वाला है? रुको, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच करना मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं, तुम्हें उन्हें नहीं, सुपर स्ट्राइकर्स को कोच करना है। हाँ? पर तुम काम करोगे सिर्फ मेरे लिए। काम वैसे बहुत ही आसान है, तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स हमारे मैच में बुरी तरह खेले। तो आपके क्या राय है? हाँ, उसका बायोडाटा बुरा नहीं है, पर मैंने कहा था कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं जरूरी बात कर रहा था। कोई काम नहीं मतलब कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, समझ गए? आपको काम करना भूलना होगा, सुपर स्ट्राइकर्स को भूलना होगा, और आपको कुछ खाना होगा। ये सब आपको खाना है और आप खाओगे। उसका बायोडाटा बुरा नहीं है, पर तुम सबने सुना ना, चलो इस क्रकोस्की को यहाँ बुला ही लेते हैं। हाँ, अगर कोच कहते हैं वो अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा ब्लॉक, कोच हमेशा सही होते हैं। ठीक है, उसे बुला लेते हैं। तो ये है मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारी एक ब्रांड न्यू मशीन है, इसका नाम है द मैच मैट। हाँ, बिल्कुल, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ।
चलो हम प्रैक्टिस शुरू करें। ये है मेरी टीम ब्लॉक, हमारा गोली बिग बो, शॉ फाइटर, फाइटर टाइगर जो और शेक। सही ढंग से खेल कर ही हम पालमा को हरा सकते हैं। पहले इन्हें पहन लो, साथ में डिफेंस करो मिडफील्ड में और आगे भी। और मुझे लगता था कोच के तरीके अजीब हैं। फाइटो, रुको! कोच, मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करनी है। कहो। देखिए, बुरा मत मानिएगा पर मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेनिंग हमारे खेलने के स्टाइल को जरा भी सूट करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी बात समझिए, ये ठीक नहीं लग रहा है कोच। ये बात कहकर तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कोच क्यों कर रहा हूँ? तुम बिना सवाल किए बात मानोगे, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। कोच, मुझे क्रकाउस्की कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। शेक, हर एक कोच का अपना एक तरीका होता है, तुम्हें उन पर भरोसा रखकर उनके नए आइडियाज को अपनाना होगा। पर वो हमारे स्टाइल को समझ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी सबसे अजीब टेक्निक्स भी फील्ड पर अच्छे नतीजे देती है। आप सही हैं। थैंक्स कोच। अगर तुम लोग क्रकाउस्की के तरीके से खेलोगे तो पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड दोनों से हार जाओगे। तू सही है स्पेंसा, पर शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कि क्रकाउस्की सही हो। तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गुड। हमारी टैक्टिक सुपर स्ट्राइकर्स के हारने की वजह बनेगी। कल वो पाल्मा से हारेंगे और उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड से। सुपर लीग की ट्रॉफी मेरी होकर रहेगी। सुपर स्ट्राइकर्स पाल्मा के खिलाफ कुछ अजीब ही ढंग से खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनका गेम प्लान क्या है। अपनी लाइन में रहो, फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश मत करो। जरा आराम से मिस्टर क्रकाउस्की, कहीं आपको भी हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। रोनाल्डो का गोल, सुपर स्ट्राइकर्स के गोली बिग बो ने बाल बाल बचा लिया। अगर वो इसी तरह से खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड के सामने हमारा कोई चांस नहीं। शेक, कैप्टन रास्ता और टाइगर आगे बढ़ रहे हैं। इसे शेक को पास करने की कोशिश कर। ये कैप्टन रास्ता को पास, वरना काम। लगता है नए कोच ने कुछ सिखा नहीं पाए हैं। हाँ शायद, अब बॉल पाल्मा वालों के पास है। कहीं सुपर स्ट्राइकर्स के अजीब तरीकों से उन्हें फायदा ना हो जाए। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यकीन करना मुश्किल है कि यही वो टीम है जो इस साल टाइटल जीतने का दावा कर रही थी। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Hmm.
सुपर स्ट्राइकर्स क्लब पार्लमेंटियरी से 2 गोल से हार गए हैं। अगर सुपर स्ट्राइकर्स सुपर लीग टाइटल में बने रहना चाहते हैं तो क्रकोस्की को यूनाइटेड वाले गेम के लिए कड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, गेम में तो ऐसा होता ही रहता है, तुम इतना भी बुरा नहीं खेले। आज हम फील्ड पर 9 सिक्के की तरह खेल रहे थे। जेंटलमैन, तुम्हारे नए कोच की हैसियत से मेरा ये वादा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड से मुकाबले के पहले हम अपनी नई स्टाइल में माहिर हो जाएंगे। तो फिर ऐसा हम कल के कल करेंगे। बिल्कुल नहीं, कल कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम सबने आज काफी खेल लिया, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा इरादा क्या है, पर मैं पता लगा कर रहूंगा। हाय शेख, दिन बुरा रहा? हाँ सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्रकाउस्की हमें हराना चाहता है और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। जल्दी से सबूत जमा कर और कोच तक पहुँचा दे। नो प्रॉब्लम, जासूस पेंजा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। स्पेंजा, अब वक्त नहीं बचा है, मैच आज ही है, कह दे कि तुझे सबूत मिल गए हैं। शेख, मैं 2 दिन से उसका पीछा कर रहा हूँ और मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। जरा 1 मिनट शेख, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा काम किया, कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना ही बुरा खेलें जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था, ताकि हम जीत जाएं। पकड़ा गया। तेरी तो, मुझे वापस दे। देखो मैं तो बच गया। ये आवाज तो वहां से आई है। अच्छा बदमाशो, मुझे एक कोच तक पहुंचाना होगा। मैच का दिन आ गया है, सभी ये जानने को बेताब हैं कि अपने पुराने दुश्मन इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है या नहीं। मेरा प्लान काम कर गया है, मिस्टर क्रकाउस्की ने इनके कोच की सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। आज तो हम ही जीतेंगे। सही कहा। उम्मीद है क्रकाउस्की ने सुपर स्ट्राइकर्स के लिए एक बेहतरीन गेम प्लान बनाया होगा। ठीक है बॉयज, तैयार हो जाओ, वो दिन आ गया। पिछला मैच तो तुम हार गए थे, इसलिए इस बार मेरे कहे मुताबिक ही चलना, नहीं तो। ऐसा लगता है सुपर स्ट्राइकर्स वाले आज गोंद लगाकर आए हैं, तभी चिपक कर खेल रहे हैं। और मैच फिर से शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास। वापस अपने लाइन में जाओ। कैप्टन आगे बढ़ते हुए, देख लिया, अगर तुमने फॉर्मेशन नहीं तोड़ा होता तो उस बॉल को रोक पाते। वो करीब रहकर खेल रहे हैं, बॉल को बाहर की तरफ ले जाओ। और ये बहुत ही बेहतरीन पास, लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड गोल करके रहेंगे। स्कारा ने शॉट लगाया, स्कारा का बेहतरीन गोल और इनविंसिबल यूनाइटेड ने खाता खोल दिया। सुनो कैप्टन रास्ता, अगर तुमने फिर फॉर्मेशन तोड़ा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। Hehehehe
कैप्टन लगता है क्रकाउस्की हमें हराना चाहता है। जानता हूँ दोस्त, और मेरे पास उसका बिल्कुल सही इलाज है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। हाँ? अरे हाँ कोच, ये मैं हूँ स्पेंसर। शेख ने कहा था मुझे ये आप तक पहुँचाना है फौरन। अच्छा काम किया शेख, कोशिश करना ये। अगर वो इसी फॉर्मेशन में खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड उनकी बैंड बजा देंगे। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? इसमें टीम के लिए नए मूव्स और फॉर्मेशन है, इन्हें जल्द से जल्द कैप्टन रास्ता तक पहुंचा दो। हमारा पूरा मैच इसी पर निर्भर है। बस अभी लो कोच, जासूस स्पेंसर सुपर स्ट्राइकर्स को बचाने के लिए आ रहा है। रुको रुको, अरे टीवी, हमारा मैच। मुझे पता है ये बहुत जरूरी मैच है और आप राहत भी महसूस कर रहे हैं। देखने में बुराई क्या है? इस दरवाजे को खोलो जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कोच। हाँ, दरवाजा जाम हो गया है। मुझे अंदर आने दो। खोलो। हेलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ, कुछ नहीं, मैं तो बस कुछ देने आया हूँ। देने आए हो? ओ, ये क्या पागलपन है। कोच की तरफ से छोटा सा तोहफा। मेरे वाले की इंक्यू फैली है। शेख बिल्कुल सही समझ रहा था, क्रकाउस्की इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए काम कर रहा है। अब इस कोच के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, अब वक्त है अपने तरीके से खेलने का, सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। तो अब ये मैच खत्म होने के बाद मैं तुम सबको एक मजेदार फिल्म दिखाऊंगा दोस्तों। सॉरी, आप अंदर नहीं आ पाए कोच। सचमुच वो दरवाजा तो चिपक ही गया था। फिक्र मत कीजिए कोच, मैंने उन्हें लाइन में रहने के लिए कह दिया है। प्लान के मुताबिक ही खेलो वरना मेरी खैर नहीं, मेरा मतलब हमारी खैर नहीं। पीछे जाओ। और ये मैच शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास, अब जाकर सुपर स्ट्राइकर असली जलवा दिखा रहे हैं। अब ये पूरी तरह जुट गए हैं। और ये जो की बढ़िया किक और फाइटर का बेहतरीन शॉट, गोल के अंदर। सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। टाई के लिए 1 और जीतने के लिए उन्हें 2 गोल की जरूरत है। वो ये ब्लॉक ने पास दिया फाइटर को। फाइटर की बेहतरीन किक और ये गोल। स्ट्राइकर बराबरी पर आ गए हैं। ब्रेक में कोच क्रकाउस्की ने जो भी कहा होगा वो काम कर रहा है। ये क्या? वाह बहुत अच्छे, पर अगर तुम ऐसा करते हैं। करते हैं कोच, हमें मालूम है। हमेशा साथ रहना और अपने दिल की सुनना। क्रकाउस्की के रहते हुए मैं अपने दिल की बात नहीं सुन सकता, लेकिन अगर बस कुछ देर और दोस्तों, वो टूटेगा। बस तुम सब देखते जाओ। क्या कर रहे हो? मैंने कहा कोच पीछे जाओ। शेख, आखिर तुम क्या कर रहे? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ आप बाहर बैठकर ये मैच देख लीजिए कोच। पहली बार किसी कोच को बाहर निकाला गया है मैक। बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी शायद एक बार। तुम ये शेख ने जो को पास किया। अब वक्त आ गया है। गोल! अपनी बढ़िया हेडिंग से शेख ने टाई को तोड़ दिया है। सुपर
सुपर स्ट्राइकर ने अपने दुश्मन को 3 गोल से हरा दिया है। You are fired! जरा रुको, ये देखो। अच्छा काम किया। कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना अच्छा खेले जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था। हम जीत जाए। ओहो, तो ये एक साजिश थी। क्या लाजवाब वापसी है। हम ये हमारे कोच के बिना नहीं कर पाते। क्रकोस्की के साथ तो तुम्हारी बन नहीं रही थी ना। ये क्रकोस्की ने नहीं किया है, ये आपने किया। रियानो के साथ खेलने के लिए बेचैन हूँ। पता है, मैंने तुम दोनों को कंपेयर करता हुआ एक प्रोग्राम देखा। अच्छा, उसमें कह रहे थे कि गोल्स की बारिश होने वाली है। सबसे ज्यादा गोल्स कौन बनाएगा, क्या वो रियानो होगा या फिर स्ट्राइकिंग का बादशाह शेख होगा। और उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद, सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद, सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। कोच, आप क्या सोच रहे हैं? इस तरह का प्रेशर शेख को बहुत भारी पड़ेगा। शेख, बहुत ऑटोग्राफ साइन कर लिए, अब चलना यार। कम ऑन शेख, अब चल भी प्रैक्टिस करनी है। बस हाथ हिलाते रहे और चलते रहे। एक और बार शेख। ठीक है, ये ले जो। क्या बात है शेख, तेरा जवाब नहीं दोस्त। We love you, Sheikh. तू एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेता? अभी नहीं, थोड़ी देर और। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ, इससे बात बनेगी। मिस्टर गुलारे आप? तुम करके देखो। मेरा पुराना दोस्त। बॉयज, ये हैं बारका के स्ट्राइक कोच। सुपर लीग में इन जैसा बेहतरीन स्ट्राइक स्पेशलिस्ट कोई है ही नहीं। नहीं, दरअसल वो क्या है कि मैं तो रिटायर हो गया हूँ। क्या? नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारे पास एक नया काम है, शेख को तैयार करना रियानो से मुकाबला करने के लिए। सोचो सोचो गलोरे, शेख बहुत ही अच्छा प्लेयर है। उसे ट्रेन करोगे तो तुम एक बार फिर से अपनी पहचान पा सकते हो। जस्ट ट्रैप।
हल्का सा टच बाएं पैर से, नहीं नहीं दाएं पैर से, नहीं नहीं पहले हाँ चेस्ट फिर घुटना। ठीक है। रियानो के पुराने मूव्स की फाइल, मैं इनका इस्तेमाल करके शेक को ट्रेन करूंगा। वो बारका को धूल चटाएगा और मैं ये साबित कर दूंगा कि रियानो ने मुझे निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें ये फॉर्मूला ठीक ऐसे ही इस्तेमाल करना है वरना ये फील्ड पर बिल्कुल काम नहीं करेगा। सुनने में तो आसान लगता है। ऐसा क्या, यही तो रियानब। ओ कुछ नहीं। वन टू थ्री फोर एंड बहुत अच्छे। जब शेक स्कोर करेगा तो रियानो को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। और अब असली टेस्ट। तुम तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छा खेले शेक। थैंक्स। बस देखते जाओ, रियानो से सामना होने के पहले मैं तुम्हें और भी कई सारे मूव्स सिखा दूंगा। और मूव्स? वाह अच्छी बात है। चलो आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, कल तुम इसी तरह खेलना और तुम जरूर जीतोगे। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा गुलारे ऐसा कर रहे हैं। पर हम जान गए हैं शेख क्या करने वाला है। ये सही नहीं है। मैं रियानो कल असली शेख के साथ खेलना चाहता हूँ। पर रियानो रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे घर कौन ड्रॉप करेगा? पता नहीं आज मैच में क्या होने वाला, देखते हैं। मैंने तो प्रैक्टिस पूरी कर रखी है, तुम्हारा क्या? शेक, अरे ये देख, आज का सवाल है सबसे महान कौन है। तू तो फेमस हो गया यार। ज्यादा सोच मत दोस्त, तैयार हो जाओ टीम। एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। तो दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो मुकाबला शुरू होने वाला है। ऐसा मुकाबला कभी कभार होता है। आज दो स्ट्राइकर्स के बीच जंग है, रियानो और शेक। उम्मीद है तुम अपने हुनर के बल पर खेलोगे। बारका टीम को हराने के लिए सिर्फ नए मूव्स ही काफी नहीं है बच्चे। अब वक्त है रियानो को दिखाने का कि स्ट्राइकिंग कैसे करते हैं। और जो बड़ी ही खूबसूरती से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से शेक को पास। मैं ड्रिबल करूं? नहीं नहीं, या मैं चिप करूं? नहीं। अरे शेक, सेंटर में पास कर यार। पीछे जाओ, पीछे। अरे हाँ, जवाब मिल गया। टाटा, तुम सोचते ही रहो। वालिटो ने बॉल छीन ली और दे दी रियानो को। और अब बॉल रियानो आगे तेजी से बढ़ रहा है। ब्लॉक बीच में खड़े ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं क्या होता है आगे। खूबसूरत पास फिर से वापस रियानो के पास। मारना, मैं तैयार हूँ बच्चू।
शॉ, बीच में से हटो, मुझे बॉल दिख नहीं रही। बारका का गोल। यानो ने एक बार फिर अपनी स्ट्राइकिंग का जलवा दिखा दिया है और बारका एक गोल से आगे बढ़ चुके हैं। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में जा चुका है, पर कैप्टन रास्ता ने बॉल छीन ली। बारका की पूरी कोशिश। एक गोल हो चुका है, अब शेख को तैयार रहना होगा। शो की बढ़िया किक और सीधा शेख के पास। क्या बात है, शायद शेख कोई नई टेक्निक सोच रहा है। मेरे फॉर्मूले से बेहतर और कुछ भी नहीं। शेख, सोच मत, पास कर। और शेख ने पास दिया फाइटर को। और ये बहुत ही बढ़िया किक और ये गोल। और ये हाफ टाइम। शेख इससे पहले इस तरह से कभी नहीं खेला करता था। वो फॉर्मूला पर चल नहीं रहा है, उसे स्कोर करने के काफी मौके मिले थे। अरे चलता है यार, देख हम अब भी साबित कर सकते हैं कि तू इस लीग का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है। हाँ, मेरे बाद ऑफ कोर्स। मैं आज फील्ड पर कुछ कर ही नहीं पाया। अरे मेरी बात मान, तेरी खराब परफॉर्मेंस के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुझे पक्का यकीन है फाइटर? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने भी टीवी पर देखा, तू अच्छा खेल सकता था स्पेंजा। तू तो ऐसे खेल रहा था जैसे तूने पहले कभी खेला ही ना हो स्पेंजा। खासकर तब जब तेरी नाक के नीचे से बॉल ले ली गई स्पेंजा। क्या है? मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ओह सॉरी, तो हुआ क्या था? मैं ठीक से सोच ही नहीं पा रहा था। मुझे अगले मैच में कुछ ना कुछ तो करना ही है। तैयार हो जाओ शेख। शेख कहाँ चला गया? हेलो, मैं बाद में बात करता हूँ। तो तुम आखिरकार जाग गए हाँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बॉल मेरे सर पर लग सकती थी। मुझे पता है तुम ऐसा नहीं होने देते। सवाल ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये हुई ना कुछ बात। रास्ता तो नहीं भूल गए? मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। तुम इससे भी अच्छा खेल सकते हो, कम ऑन। इतनी जल्दी नहीं। शेख गोल की तरफ बढ़ रहा है, उसने गोल पर कड़ी नजर रखी है। डिफेंडर पूरी तरह तैयार है, क्या ये स्कोर कर पाएगा? अब बताओ तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा मुकाबला सिर्फ असली टैलेंटेड शेख से हो। फील्ड पर मिलते हैं शेख। नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं करना है। पहले बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ, फिर स्पिन वन टू, उसके बाद शूट। यूं ही खड़े मत रहो। चलो थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मुझे वहां बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं रियानो को हरा सकता हूं, पर मुझे लग रहा है कि मैं किसी और का ही खेल खेल रहा हूं। जरा ये सब देखिए, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शेख को सिर्फ रियानो के मूव सिखा रहे हो?
ये सही है, तुम भी बिल्कुल सही हो। मैं वाकई एक फेलियर हूँ। मैं रिटायर नहीं हुआ था, मुझे निकाला गया था। गलोरे रुको। जाने दो कोच, रियानो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नहीं नहीं, मेरी मेहनत, ये तूने क्या किया? रुको। शेख को रियानो के मूव सीखने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है गलोरे। शेख को तुम्हारी जरूरत है उसके अपने मूव्स तराशने के लिए। चलो अभी मेरे प्यारे दोस्त, अभी बहुत काम करना बाकी है। तो दोस्तों, एक बार फिर मैच का दिन आ गया है। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है और पैर रखने की भी जगह नहीं है। सच में आज तो रिकॉर्ड तोड़ फैंस आए हैं। रियानो और शेख का दूसरा मुकाबला बस कुछ ही देर में। आज मेरे साथ है आप सबके चहीते रियानो। पिछले मैच में शेख बारका के सामने टिक नहीं पाया था, आज तुम्हें उसे क्या उम्मीद है? ऐसा है बेन कि मेरा तो सिर्फ यही कहना है, जो जितना अच्छा खेलेगा वही अच्छे स्कोर से जीतेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पार्क में क्या कहना था। मैं तुम्हारे खेलने का असली स्टाइल देखना चाहता था। पर तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी मदद मुझे जिता सकती है? तुम पार्क में अच्छी तरह खेले उसका कोई मतलब नहीं। तुमने अब तक यहाँ कोई गोल नहीं किया है। तुम सही हो, मैंने गोल नहीं किया है अब तक। तो तुमने गुलारे को निकाल दिया? ये बात हम बाद में करेंगे। शेख पूरी तरह से कंफ्यूज लग रहा है। बोनीटो का अच्छा टैकल और रियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये खतरनाक हो सकता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये गोल, रियानो का पहला गोल। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स धूल चाटते रह गए। बॉल शेख के कंट्रोल में और ये शेख ने किक मारी और ये गोल होते होते रह गया। दोनों टीमों में टेंशन बढ़ता जा रहा है। बार का स्ट्राइकर का बेहतरीन फुटबॉल, क्या वो गोली को टक्कर देकर एक और गोल कर पाएगा? जीत गए हो। 45 मिनट बचे हैं शेख, शायद अब तुम्हारे कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। अगर ये बॉल मेरी ओर पास करे ना तो फिर मुझे पता है तुम कर सकते हो। बार का इस वक्त लीड में है, 2 गोल से आगे चल रहे हैं और शेख ने अब तक अपना खाता भी नहीं खोला है। खोला ही होगा, हम कैसे कह सकते हैं। शेख को सेकंड हाफ में स्कोर बोर्ड पर अपना खाता खोलना ही होगा। और टाइगर ने पास दिया जो को, जो की शानदार किक। अब बॉल है शेख के पास। शेख फिर से कंफ्यूज लग रहा है, पता नहीं क्यों। आखिरकार ये चल पड़ा है, मिडफील्ड से आगे बढ़ रहा है बहुत ही तेजी से। मुझे इसी शेख का तो इंतजार था। वो तूफान की तरह खेल रहा है, वो बिल्कुल अकेला है। और ये गोल, शेख का खाता खुल गया। पर जीतने के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को 2 गोल और करने होंगे और वक्त निकलता जा रहा है। डूड, देर आए दुरुस्त आए। तू फिर से पहले जैसा हो गया। बेबी कमाल हो गया, अब आएगा मजा। शेख ने बॉल चो को पास की। शेख क्रॉस के लिए साइड पर खड़ा है। शरीर को बॉल की तरफ घुमाओ। हाँ। और ये बेहतरीन हेडर। दो गोल करके सुपर स्ट्राइकर्स बराबरी पर आ गए हैं। मैच खत्म होने में सिर्फ 6 मिनट बचे हैं और रियानो एक और गोल करके बारका को जिता सकता है। बारका बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बॉल शॉ के पास आ गई है। अरे नहीं, वो तो रियानो ने बॉल ले ली और उसने किक मारी और ये गोली का बेहतरीन सेव। शेख अपने टीम को जीत दिलाने से सिर्फ 1 गोल दूर है और
खुद को बेहतरीन स्ट्राइकर साबित करने से भी। फाइटर, क्या उल्टा घूम जा और पुतले की तरह खड़े हो जा। क्या? और माफ कर देना दोस्त। वाह, क्या गोल किया है शेख ने या फिर फाइटर ने। अब सुपर स्ट्राइकर्स 3 गोल करके आगे निकल गए हैं। आज दो जांबाज स्ट्राइकर्स की असली जंग थी। तुमने मेरी काबिलियत पहचानने में मेरी मदद क्यों की? मुझे बस तुम्हारे साथ मुकाबला करना था, असली शेख के साथ। मैं समझ गया। अच्छा हुआ जो तुमने गोलारे को निकाल दिया। नहीं, किसी ने किसी को नहीं निकाला। कोच, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कर। बस करो, हर कोई कभी ना कभी अपने रास्ते से भटक जाता है, पर तुमने तो हमारी गेम को और भी उभारने में हमारी मदद की है। मुझे लगा कि आप में कुछ भी नया नहीं बचा था। शेख, आज की जीत का ताज तुम्हारे सिर पर है। लेकिन फाइटर तो पहले से ही इसमें बिजी हो गया है। किसे पता था कि एक सुपर स्ट्राइकर हम दोनों के बीच की दूरी मिटाएगा? क्या आपके पास अभी भी मेरी दी हुई गोल्डफिश है? मोबी, हाँ है ना, ये उससे बेहतर और कोई नहीं जानता। कोच गुलारे की मदद से सुपर स्ट्राइकर्स ने जीत हासिल कर ली है। टीम्स ही रह गई हैं। कल इनविंसिबल यूनाइटेड नकामों के साथ खेलेंगी, पर अब हम वापस चलते हैं आज के सेकेंड हाफ पर। देखते हैं कौन होगा पहला फाइनलिस्ट, सुपर स्ट्राइकर्स या बारका। इसे कैप्टन रास्टर यूं ही नहीं कहा जाता। शेख का बॉल पर बेहतरीन कंट्रोल। और ये गोल, लो फैसला हो गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम फाइनल में आ गए। मैं सुपर लीग फाइनल में खेलने वाला हूँ। जिसका भी फाइनल में स्ट्राइकर्स से सामना होगा उसके लिए जीतना आसान नहीं होगा। हेलो जॉनी। मैं विंस बोल रहा हूँ। विंस? विंस? हाँ, वही विंस। मुझे सुपर लीग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास एक नया इन्वेंशन है जो तुम दिखाने के लिए बेकरार हो, और अब जबकि तुम्हारी टीम सुपर लीग में नहीं है तो। ठीक है ठीक है, मेरे पास तुम्हारे काम की एक चीज है। ये बॉल रिमोट से चलाई जा सकती है, इसे जमीन के ऊपर भी उछाला जा सकता है, पर सिर्फ तब जब इसका कंट्रोल किसी माहिर शख्स के पास हो, जो कि मैं हूं मिस्टर विंस। नहीं, इसे मैं ही चलाऊंगा, पर अब भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? पहले ये सोचो कि हम इस बॉल को फील्ड पर ले जाकर मैच में शामिल कैसे करेंगे। सही कहा। एक आदमी है जो अपना ये काम कर सकता है। नहीं 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 नहीं, लोगों की तरफ मत देखो, सिर्फ उसकी तरफ किक करो और भागते रहो। कल हम इसे नकामा पर आजमाएंगे। तो क्या बोलता है, फाइनल में हमारे सामने कौन होगा? यूनाइटेड आज जीतने के लिए कोई ना कोई पागलपन तो जरूर करेगा। समझ नहीं आता किसका साथ दूं, नकामा और यूनाइटेड दोनों तगड़ी टीम हैं। हाँ, पर यूनाइटेड कभी रूल्स फॉलो नहीं करते, वो बहुत ही गंदे प्लेयर्स हैं। असल में गंदगी को इसे कहते हैं। यार, कोई तो इसे निकालो यहाँ से। सवाल अब भी यही है, सुपर लीग फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स का सामना किससे होगा, नकामा से या इनविंसिबल यूनाइटेड से? मिको चेन काफी अच्छा खेल रहा है। हाँ मैक, क्या यूनाइटेड बराबरी कर पाएगा?
लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड आज बिना चीटिंग किए ही ये मैच जीतने की कोशिश करने वाले हैं। बस देखते जा। हाँ? ओ, ओ, अरे वो विग और चश्मा पहनकर क्यों आ गया? ओ, बात बननी चाहिए। फाइनल में आने का मौका पाने के लिए इनविंसिबल यूनाइटेड को जल्द ही बराबरी पर आना होगा। पर लगता है कि स्कारा खेला भूल गया है। हाँ, उसने बॉल को बाहर ही भेज दिया। लगता है ये मैच तो नकामा ही जीतेंगे। यूनाइटेड तो गया। इस गेम में सिर्फ यही अजीब बात है कि जिस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड खेल रहे हैं उसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। क्या कोई बताएगा कि अभी क्या हुआ? मीको चैन ने बॉल सीधे यूनाइटेड को पास कर दी। एक भारी गलती। स्कारा के सितारे बुलंदी पर हैं। और ये गोल, स्कारा का गोल। वाह, ये बॉल तो कमाल की है। ये तो मेरी वाहवाही करवा रही है। इन्होंने बराबरी कर ली, वो भी गेम के खत्म होने के 5 मिनट पहले। नकामा की इस गलती से सामने वाले की जीत का रास्ता खुल सकता है। स्कारा ने बेकार में ही लॉन्ग शॉट लिया। गोलकीपर रोक लेगा। गोल! इनविंसिबल यूनाइटेड गेम में वापस आ गया है। किस्मत आज उनके साथ है। मजा आ गया। फाइनल के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? फाइनल में तो हम ही जीतेंगे। हम उन सबको कुचल देंगे। बॉल उनके पास भटकेगी भी नहीं। तो फैसला हो गया दोस्तों। अब फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड होंगे आमने सामने। इनविंसिबल यूनाइटेड बिना चीटिंग किए ही जीत गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आंखें धोखा नहीं खा सकती फाइटर, लेकिन आज के बाद सिर्फ लक ही है जो उन्हें जिता सकता है। सब जानते हैं कि सुपर लीग फाइनल में चीटिंग करना नामुमकिन है। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। कुछ समझ नहीं आया। यूनाइटेड ने नकामों को इतनी आसानी से हराया? वो चीटिंग किए बिना जीत ही नहीं सकते। लेकिन कैसे? हमने पूरा मैच देखा। अगर उन्होंने चीटिंग की है तो हमें फाइनल में बहुत चौकन्ना रहना होगा। लगता है मुझे थोड़ी जासूसी करनी ही होगी। लगता है तू सही है। आज वो दिन है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुपर लीग फाइनल मैच का दिन आ ही गया। जहाँ है वहीं बैठे रहिए, क्योंकि आज का दिन फिर नहीं आने वाला। आखिर कौन जानता था सुपर लीग हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने ले आएगा। मुझे पता है इनविंसिबल यूनाइटेड पर भरोसा नहीं कर सकते, पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और हम सब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आज उनकी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। वैसे भी चाहे इनविंसिबल यूनाइटेड हमारे आगे कोई भी अड़ंगे डाले, हम किसी भी कीमत पर नहीं हारने वाले, क्योंकि हम हैं 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अब सब कुछ इसी मैच पर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम सिर्फ टारगेट पर नजर रखना।
समझ गए ना? हाँ समझ गया। इसी के साथ सुपर लीग फाइनल शुरू हो चुका है। जीत किसकी होगी, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड की? कैप्टन रास्ता ने खेल की बेहतरीन शुरुआत कर दी है। जो बेहतरीन पास देते हुए बहुत अच्छे, इनसे ऐसे ही खेल की उम्मीद थी। गजब का बॉल कंट्रोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो जैसे जीतने के लिए ही आए हैं। मैंने बोला ना यार, आज तो हम ही जीतेंगे। ज्यादा हवा में मत उड़। नकामा भी उनके मैच में स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड अचानक अच्छा खेलने लगे। तब तो हमें बहुत सारे गोल करने होंगे, है ना? अरे यार, आंखें खोल कर खेला करना, तुझे मेरी चाल समझ में नहीं आई क्या? जो कदम से कदम नहीं मिला पाता वो तुम्हारी तरफ पीछे रह जाता है। तुम्हें अगर मुझे देखकर खुद पर शर्म आ रही है तो आई एम सॉरी। स्कोर अब भी बराबरी पर है। ऐसा फाइनल तो पहले कभी भी नहीं खेला गया होगा, और मुझे लगता है दुनिया भर के लीग फैंस मुझसे अग्री करेंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स अब कोई जलवा दिखा कर ही रहेंगे। फाइटर की बेहतरीन किक, और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। मेरा जवाब नहीं। मेरा मतलब आप सबका जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स अपना कमाल दिखाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यूनाइटेड की गेम पर से पकड़ छूटती ही जा रही है। पकड़ थी कब जो छूटेगी। ओ तुम भी ना, हर बात की खाल मत निकाला करो। की तरफ बढ़ रही है, देखते हैं वो कोई कमाल दिखा पाता है या नहीं। और ये शेक का बेहतरीन पैतरा। समझ में नहीं आता स्कारा क्या करना चाहता। शायद उस काउबॉय हैट वाले बंदे को मैंने पहले कहीं देखा है। वो देखो, ये मेरी है। लगता है सभी सुपर लीग फाइनल मैच बॉल को छूना चाहते हैं। वाओ, काश मेरे पास भी वैसा एक होता तो। सुपर फाइनल मैच फिर से शुरू हो गया। लगता है शेख उस पास को समझ ही नहीं पाया। बॉल फाइटर के पास, बॉल उसके पास नहीं है। दोनों टीम अब पहले से उल्टा खेल रही हैं। अब इनविंसिबल यूनाइटेड वाले ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। वो बॉल पर पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। वो तो उसे छू भी नहीं रहे। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल है जो, पर वो चीटिंग करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने गेम पर ध्यान रखना है और बेहतरीन खेलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और शेख के पास नहीं, अब नहीं है। पर कैप्टन रास्ता ने उसे संभाल लिया। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये फाइटर क्या कर रहा है? ये बॉल ऐसे कैसे कर सकती है? स्कारा की अच्छी कोशिश, पर शॉट सही नहीं लगा। फिर भी गोली बिग बो उसे रोक नहीं पाया। स्कारा अपनी टीम को फिर से गेम में ले आया।
लगता है वो बॉल अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने पहले कभी ऐसा पैतरा मैच में नहीं देखा है। बड़ी पुरानी किक है, डिलेड राइजिंग स्पिन किक। वो बंदा आखिर कर क्या रहा है? ओ तेरी, वो तो बॉल को कंट्रोल कर रहा है। लगता है आज किस्मत इनविंसिबल यूनाइटेड पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लगता है जैसे बॉल इनविंसिबल यूनाइटेड वालों के पैरों तक खींची चली जा रही है। लगता है अब दोनों टीम्स के तारे गर्दिश में चल रहे हैं। ये क्या? कैसे? कैसे? वो आखिर कर क्या रहा है? कौन? स्पिन्जा। ये तो एक पैतरा है, वो तो मैंने ही उसे सिखाया था। जरा उसे देखो तो। हाँ? लगता है शेख का सब्र टूट गया है। ऊप्स, उसने तो बॉल टनल में भेज दी। ऊप्स, रुको, पकड़ लिया। रेफरी एक नई मैच बॉल चुन रहा है। मैक, मुझे भी यही लग रहा है, वो पिछली वाली कहीं मिल ही नहीं रही। ये वो बॉल नहीं है। ये एक ऑफिशियल बॉल है और ये सारी एक जैसी होती हैं। तुम्हें बस इसे किक करना है। कहाँ चला गया वो? अरे हाँ, वही इन्वेंटर। तुम तो गए वन। इससे अजीब मैच मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोनों टीम्स अच्छा भी खेली और बुरा भी। स्ट्राइकर्स के चाहने वाले एक गोल के लिए बेकरार हैं, जिससे उनकी टीम आगे जा सके। एक्स्ट्रा टाइम का भी एक मिनट बचा है, इसमें स्कारा कोई कमाल कर पाएगा? ब्लॉक कर दिया है। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स के काबू में है ये मैच। कैप्टन रास्ता बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सीजन में जिस टीम से चाहने वालों को प्यार हुआ था वो लौट आई है। जो कि बेहतरीन किक, फाइटर वहीं पर खड़ा है। इस शेख के पास अब मामला शेख और कीपर के बीच है। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। शेख ने अपना कमाल दिखा ही दिया।
सुपर लीग चैंपियंस हैं सुपर स्ट्राइकर्स। क्या बात है, सुनने में अच्छा लगता है। यस, हमारा जवाब नहीं दोस्त। उस बॉल को आखिर हुआ क्या था? हाँ, मुझे तो लगा किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया था। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हम बस ध्यान से खेलेंगे तो जीत जाएंगे। पता है, वो रिमोट कंट्रोल से बॉल को चला रहे थे। क्या? ये कैसे हो सकता है शेख? हाँ? वो इन्वेंटर टोनी वर्न। पर वो भला यहाँ क्यों आएगा? सुनने में ये आया है कि एक रिमोट कंट्रोल बॉल इस्तेमाल हो रही थी। क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं जानता था मैं इतना बुरा कभी नहीं खेल सकता। ये नहीं हो सकता, भला ऐसा काम कौन कर सकता है? ये तो सरासर चीटिंग हुई। है, किसने मारा मुझे? किसी ने नहीं।